दोस्तों आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है आपका नमक कर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? नमक कर के विरुद्ध था। ये विरोध जो हुआ था 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, जब दांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने क्या की थी, यात्रा की थी, ठीक है। तो उसी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य नमक करके विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ, 1942। इसकी डेट मेन है आपकी 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, बताइए? हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? महात्मा गांधी ने। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने की है। हिंदी स्वराज गांधी जी द्वारा वर्ष 1909 में रचित एक पुस्तक है, इसकी मूल रचना गुजराती में हुई थी, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल आपके सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बुक्स दी हुई है इंपॉर्टेंट, किसने किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। यंग इंडिया किसने लिखी है? यंग इंडिया आपकी महात्मा गांधी ने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इंडियन स्ट्रगल ये किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के रचयिता हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं आपके वो गीता रहस्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है, बताइए? आपको पता होगा ये चीज अच्छे से, देश बंधु किसे कहा जाता है? चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, चितरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी थी। और ये देश बंधु जो है चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को, सॉरी स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को। और यहीं पे अगर स्वर कोकिला आ जाए, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो आपकी लता मंगेशकर हो जाएंगी, ठीक है। स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, भारत कोकिला, सरोजनी नायडू। लौह महिला किसे कहा जाता है? लौह महिला आपका इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर
पहली बार किसने संबोधित किया था? तो किसने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 जनवरी 1916 को हुई। 4 जनवरी 1916 को बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस में कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो रामचरितमानस में कितने टोटल कांड हैं? टोटल आपके 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, और इनमें सबसे छोटा जो है वो आपका किष्किंधा जो है कांड है, और सबसे बड़ा पूछा जाता है तो बाल कांड है। सबसे छोटा है किष्किंधा, किष्किंधा कांड। और ये अगर बड़ा पूछा जाए तो बाल कांड है, ठीक है? सबसे बड़ा है बाल कांड, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पल्ली आंदोलन संबंधित है, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? आपको उस जगह का नाम बताना, राज्य का नाम बताना है। तो पल्ली आंदोलन जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, क्लियर। पंचशील का नारा किसने किससे संबंधित है ये पूछा गया है, या किसने दिया? तो पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, युद्ध है कुछ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी को। और अगर पूछा जाए आपका प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1757 को, 1757 को, क्लियर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। आपको ऐसी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।